जिस भी घर में रहते हैं वहाँ पर 45 एनर्जीज होती हैं जी, 45 देवताज होते हैं जी, जिसमें 32 देव होते हैं, 12 असुर होते हैं जी, और एक ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्म स्थान जिसमें कहते हैं सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इस घर की अगर बात करूँ, इस फ्लोर की अगर बात करूँ, एक तो हमारे दोनों कोनों पे वॉशरूम है जी, जो हर इंसान 98% लोग चारों कोनों में वॉशरूम बनाते हैं, जो भी बिल्डर है, जो भी आर्किटेक्ट है, जो भी बंदा है, पर ये नहीं पता कि चारों कोनों में चार देवियां विराजमान होती हैं, शिवा की पुत्रियां विराजमान होती हैं, अच्छा ये नहीं पता जी। फिर हम देखते हैं कि हमारी एंट्रेंस कहाँ की है जी, 32 द्वार होते हैं, 32 द्वार। अब इनको हम अगर किसी किसी पग में E1 से लेकर के E8, S1 से लेकर के S8, N1 से लेकर के N8, W1 से लेकर के W8, ये 8 × 32, ये 32 एंट्रेंस होते हैं। अच्छा। कोई एक भी एंट्रेंस गलत खुल गई, मान लीजिए W7 की एंट्रेंस खुल गई, वो आपको ख़राब करेगी। अच्छा। वो आपके ऊपर कर्जा चढ़ाएगी, आपके ऊपर परेशानी देगी, कलेश देगी जी। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करनी बड़ी ज़रूरी है जी। अपने घर में रिलेशंस को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है जी। हमारी किचन कहाँ आ रही है, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, अग्नि कौन है हमारी नहीं है, पर नॉर्थ वेस्ट में है वो भी ठीक है, वो सेकंड ऑप्शन है। अच्छा वो अच्छा है, पर